हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। टुडे वी विल स्टडी अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हर्ट। इस कहानी में एक कुत्ते के बारे में बताया गया है जिसका नाम ट्रिकी है, जो कि एक अमीर मालकिन के द्वारा पाला जाता है। उसकी मालकिन उसका अत्यधिक ख्याल रखती है, उसको सारी सुख सुविधाएँ देती है, उसको हर प्रकार से भोजन देती है और कुछ ज़्यादा ही भोजन ख्याल रखती है, उसका भोजन कुछ ज़्यादा ही खिलाती है उसको। इसलिए वो क्या होता है, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन उसको एक पशु चिकित्सक पास ले जाती है सलाह लेने के लिए। आइए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कुत्ते को डॉक्टर क्या सर्जरी करता है उसका, और देखते हैं कि कुत्ता जो है ठीक हो जाता है कि नहीं। ये कहानी स्टार्ट होती है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। डॉक्टर यहाँ पर जो है बोल रहा है कि मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था। वरीड मतलब परेशान होना, ट्रिकी को देखकर, दिस टाइम मतलब होता है इस बार। मैं इस बार ट्रिकी को देखकर सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप का मतलब होता है, ये एक प्रकार का फ्रेजर वर्ब है, तो पुल्ड अप का मतलब होता है रोकना। मैंने अपने कार को, मैंने अपनी गाड़ी को रोका। व्हेन जब आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब है मालकिन, जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेरेंस। अपेरेंस का मतलब होता है आकार या आकृति, और शॉक्ड का मतलब होता है ठेस लगना। मुझे उसकी आकृति को देखकर मुझे ठेस लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मतलब है अत्यधिक, और फैट मतलब चर्बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई थी। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ मांस। वो देखने में एक फूले हुए मांस की तरह लोथड़ा लग रहा था, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोने पर एक एक टांग लगा दी गई हो। हिज आईज ब्लड सूट एंड रूमी। उसकी जो आंखें थीं वो खून की तरह, रक्त की तरह लाल थीं। एंड रूमी, रूमी का मतलब है कीचड़युक्त, और कीचड़युक्त थीं उसकी आंखें, रक्त की तरह लाल और कीचड़युक्त थीं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड। स्ट्रेट मतलब घूरना, स्ट्रेट मतलब सीधे, अहेड मतलब आगे की ओर। वो सीधे आगे की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस। और उसकी जो जीभ थी, लोल्ड मतलब होता है बाहर की ओर निकलना, फ्रॉम हिज जॉस, जॉस का मतलब होता है जबड़े से, और ट्रिकी की जो जुबान थी वो जबड़े से उसके बाहर निकली हुई थी। आगे है मिसेज पम्फ्रे, जो उसकी मालकिन है, उसका नाम क्या है, श्रीमती पम्फ्रे, उनकी मालकी का नाम है कुत्ते के। हैजटेंट टू एक्सप्लेन। हैजटेंट का होता है जल्दी से, शीघ्रता से, एक्सप्लेन होता है व्याख्या करना। श्रीमती पम्फ्रे ने शीघ्रता से ये व्याख्या किया या बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब होता है ढीला ढाला। डॉक्टर को उसकी मालकिन श्रीमती पम्फ्रे ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरेट, डॉक्टर का नाम है श्रीमान हैरेट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता था कि उसके पास अब कोई शरीर में ताकत नहीं रह गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग। सफरिंग मतलब ग्रस्त होना, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। मुझे ऐसा लगा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज। इसलिए मैंने उसको कुछ ज़्यादा भोजन दे रही हूँ। बिटवीन मील्स, दो भोजन के बीच में कुछ अन्य चीज़ें भी मैं उसको दे रही हूँ। टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि वो मजबूत हो जाए। बिल्ड अप माने होता है मजबूत होना, जिससे कि वो जो है ट्रिकी जो है ज़्यादा मजबूत हो जाए। कि मैं उसे कुछ माल्ट दे रही हूँ। एंड कॉड लीवर, कॉड मछली का जो है ऑयल होता है, वो तेल भी उनको उसको देने खाने के लिए देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक प्याला उसको हॉर्लिक्स देती थी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात में अच्छी नींद ले सके। नथिंग मच रेली, आगे कह रही हैं इससे अधिक कुछ नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। आगे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने, जैसा कि आपको आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि यू कट डाउन, कट डाउन होता है कम दें या ना दें, दिस स्वीट थिंग, मीठी चीज़ों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुत्ते को मीठी चीज़ों को ना दें,
तो क्या आपने ऐसा किया? तब श्रीमती पेम्फ्रे बोलती हैं, ओह अरे आई डिड फॉर अ बिट, मैंने ऐसा थोड़ा किया, बट लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा, तो आई हैड टू रिलेंट, तो मैंने उसको थोड़ा रिलेंट मतलब ढीला देना, छूट देना, तो मैंने उसको थोड़ी छूट दे दी, उसको थोड़ा ढील दे दिया। ही डज लव क्रीम केक्स, मेरा जो कुत्ता है उसको क्रीम केक पसंद है एंड चॉकलेट्स, सो और चॉकलेट भी पसंद है। आई कॉन्ट वेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुकड डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने दोबारा उस कुत्ते को की तरफ देखा। डैट वॉज द ट्रबल, जो कि वो कष्ट में था, ट्रबल में होता है कष्ट। जब मैंने दोबारा उस कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता कष्ट में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी का केवल एकमात्र गलती थी वो क्या थी, ग्रीड, वो लालची था, अर्थात खाना देखते ही वो खाने पर टूट पड़ता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो भोजन के लिए कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ही वुड टैकल, टैकल होता है ले लेना, वो ले सकता था अ मील माने होता है भोजन, एनी आवर किसी भी समय, वो किसी भी समय भोजन ले सकता था, चाहे दिन हो चाहे रात। एंड आई वंडर्ड, और मुझे इस चीज का आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल थिंग्स, उस सभी चीजों को लेकर मिसेज पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, जिसको श्रीमती पेम्फ्रे ने मुझको नहीं बताया, उस चीज को सोचकर भी मुझे आश्चर्य हुआ कि शायद इसको और भी कुछ मिस्टर पम्फ्रे देती होंगी खाने के लिए। आगे डॉक्टर कहते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर या ज्यादा, क्या आप इसको ज्यादा व्यायाम करवाती हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तब श्रीमती पेम्फ्रे जवाब देती हैं कि हाँ, ही हैज अ लिटिल वॉक्स, वो थोड़ा सा घूम लेता है विद मी मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये घूमने निकला है, इसी तरह से मेरे साथ ये थोड़ा सा घूम लेता है। हॉडकिन एक माली है मिसेज पम्फ्रे का, तो जो मेरा माली हॉडकिन है, हैज बीन डाउन विद, डाउन विद होता है पीड़ित होना, और लंबगो, लंबगो का मतलब होता है गठिया, बयार जिसको बोलते हैं, पैरों में होता है, जोड़ों में होता है, तो मेरा जो माली हॉडकिन है वो गठिया से पीड़ित है, सो इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि माली उसको खिलाता था लेकिन माली गठिया रोग से ग्रसित है। आगे डॉक्टर कहते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, नाउ अब आई मतलब मेरा, रियली मीन दिस यह कहने का मतलब है, मेरा अब यह कहने का मतलब है कि इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि यदि आप तुरंत, राइट डाउन मतलब तुरंत, यदि इसके खुराक में कमी नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और यदि इसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराती हैं, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सचमुच, रियली मतलब सचमुच क्या होने हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपने अंदर कठोरता लानी पड़ेगी, अर्थात अपने मन से सख्त बनना पड़ेगा ट्रिकी के प्रति। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको स्ट्रिक्ट होता है बंधी हुई, और डाइट मतलब खुराक, आपको इसको बंधी हुई खुराक देनी चाहिए, तभी आपका ये कुत्ता जो है ट्रिकी सही हो पाएगा। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज, श्रीमती पेम्फ्रे ने अपने हाथ मले, देखिए यहाँ रंग मलता है मलना, तो श्रीमती पेम्फ्रे ने अपने हाथ मले, ओह अरे आई विल मिस्टर हैरेट, श्रीमान हैरेट, मैं इसे अवश्य करूँगी, आई विल का मल होता है मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, आई एम श्योर यू आर राइट, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, बट लेकिन इट इज़ सो डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और इस तरह से उन्होंने अपने सर को नीचे किया, और अलॉन्ग द रोड, और सड़क पर वो चलते बनी, अर्थात सड़क पर आगे चलने लगी। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो की, डिटरमेंट
उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया हो टू पुट द न्यू रेजिम, रेजिम मतलब होता है नई व्यवस्था का, जैसे कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया हो नई व्यवस्था का, अर्थात अब उसे वो तुरंत व्यायाम और सीमित खुराक देने का उन्होंने निश्चय कर लिया है, प्रैक्टिस इमिडिएटली, कि वो जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, प्रोग्रेस मतलब होता है जाते हुए, आई वॉच्ड मैंने देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न में होता है बढ़ती चिंता के साथ, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनको बढ़ती ही चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल टू वेट कोट। अब क्या कह रहा है, ट्रिकी छोटी ट्विड कोट, यहाँ ट्विड कोट है एक जो वो ट्रिकी पहनता था, तो ट्रिकी छोटी ट्विड कोट पहने हुए टोटरिंग अलोंग मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, तो ट्रिकी छोटी ट्विड कोट पहने हुए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ही हैड होल अ वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द हुट डेज। यहाँ वार्डरोब मतलब होता है अलमारी, उसकी जो अलमारी थी दीज कोट्स इन्हीं कोटों से भरी हुई थी, दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, ये कोट जाड़े के मौसम के लिए हैं, एंड अ रेन कोट फॉर अ हुट डेज, और वर्षा का कोट जो है बरसात के दिनों के लिए है, ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ही स्ट्रगल्ड ऑन, स्ट्रगल्ड में होता है बड़ी मुश्किल से, ऑन मतलब आगे बढ़ना, ट्रिकी जो है बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग का मतलब होता है झुका होना, क्योंकि वो झुका हुआ था विद हिज हार्नेस, हार्नेस का होता है अपने भारी बोझ से, क्योंकि उसका कोट भारी था इसलिए वो भारी बोझ से आगे की ओर झुका हुआ था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पंपरे, आई थॉट मैंने सोचा कि मिसेज पंपरे, श्रीमती पंपरे जो है जल्द ही मुझे इसके मर जाने की सूचना देंगी, क्योंकि अब ये इसकी हालत देखकर ये लग रहा था कि अब ये ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। The expected call came within a few days, जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही कुछ दिनों के बाद मुझे एक फोन आया, मिसेज पंपरे वॉज डिस्ट्राउट, श्रीमती पंपरे जो थी वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थी, डिस्ट्राउट मतलब चिंतित होना, वो बहुत ज्यादा चिंतित थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि अब ट्रिकी खाना पीना बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं खाता था, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपने पसंदीदा भोजन को भी उसने मना कर दिया, एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और अब वो इसके अलावा उल्टियां भी करने लगा, वोमिटिंग मतलब है उल्टियां करना, अब इसके अलावा वो उल्टियां भी करने लगा, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय गलीचे पर बिताता था, यहाँ लेइंग मतलब होता है लेटना और रग का मतलब होता है गलीचा, पेंटिंग, पेंटिंग मतलब हाँपता रहता था, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना तो अब वो टहलने के लिए जाता था, डिडेंट है वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और अब वह कुछ करने की इच्छा भी उसे नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी, The only way was to get Tricky out of the house for a period. The only way, अब एक ही रास्ता बचा था, एक ही उपाय था कि Tricky को कुछ पीरियड मतलब अवधि, कुछ अवधि के लिए क्या किया जाए, घर से दूर कर दिया जाए। I suggested, मैंने ऐसा सुझाव दिया, that he be hospitalized for about a fortnight. Hospitalized मतलब होता है अस्पताल में भर्ती करना। मैंने ऐसा सुझाव दिया कि उसे फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है नज़र में रखा जाए। तो मैंने श्रीमती पंपरे को ऐसा सुझाव दिया कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए एक पखवाड़े के लिए, जिससे उस पर
नजर रखी जाए। द पुअर लेडी, बेचारी औरत। ऑलमोस्ट शंड, शंड माने होता है अचेत होना। वो बेचारी औरत तथा श्रीमती पिंफरे जो है ये बात सुनकर अचेत सी हो गई। श्योर सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टडी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।